सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों की तरह उनकी लव स्टोरी भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती थी। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिनका दिल सुशांत सिंह राजपूत पर आया। सुशांत सिंह राजपूत कई बार प्यार में पड़े लेकिन उसके बावजूद भी उनका दिल टूट गया क्योंकि उन्हें वो प्यार नहीं मिला जिस प्यार को वो अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत ने किसी एक्ट्रेस का दिल तोड़ा तो किसी एक्ट्रेस का साथ छोड़ा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी खबरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके मामले पर आज भी चर्चा हो रही है। सुशांत सिंह के फैंस आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। सीबीआई आज भी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही है। तो वही आपको बता दें कि जितनी दर्द भरी जिंदगी सुशांत सिंह राजपूत जी रहे थे उतना ही दर्द भरा अंत होता था सुशांत सिंह राजपूत की हर एक लव स्टोरी का। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इंडस्ट्री की चार एक्ट्रेसेस फिदा हुई लेकिन उसके बावजूद भी इन चारों एक्ट्रेसेस के साथ सुशांत का रिलेशनशिप ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक सका। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आने वाली सबसे पहली लड़की कोई और नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे थी। सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट पर दोनों को प्यार हुआ। अंकिता ने पति पत्नी का रोल प्ले किया था इस शो में। ऐसे में पति पत्नी की जिंदगी जी रहे अंकिता और सुशांत दोनों ने रियल लाइफ में भी अपनी जिंदगी को एक दूसरे का हमसफर बना लिया और दोनों ने लिया फैसला शादी करने का। दोनों लिव इन में रहने लगे लेकिन उसके बाद खबर ऐसी आई जिसने सबका दिल तोड़ दिया। रिलेशनशिप को देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। सुशांत सिंह राजपूत की सीरियल्स की दुनिया से हटकर बॉलीवुड की ओर उन्होंने रुख कर लिया और ऐसे में दोनों का रिश्ता टूट गया। इस टूटे रिश्ते की शुरुआत हुई थी 6 साल बाद। बता दें कि 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के हिट होने का जश्न सुशांत अंकिता ने एक साथ मनाया था लेकिन इसके बाद दोनों के प्यार में आ गई थी एक्ट्रेस कृति सेनन। बता दें कि कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में फिल्म राब्ता में काम कर रहे थे। उसी दौरान कृति और सुशांत की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के प्यार ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। दिसंबर 2016 में जब सुशांत ने अपनी फिल्म आउटडोर शूटिंग पर मुंबई आए तो अंकिता के पास अपने घर नहीं लौटे बल्कि कहीं और रहने लगे। अंकिता और सुशांत का पवित्र रिश्ता टूट चुका था। सुशांत कृति सेनन के प्यार में डूब चुके थे जिसके बाद सुशांत और कृति हर जगह स्पॉट होने लगे। कहा तो ये भी जाने लगा कि कृति ने फिल्म लुक्का छुपी में काम करना शुरू कर दिया था। तब तक एक फिल्म मेकर के दबाव की वजह से सुशांत के साथ कृति सेनन को ब्रेकअप करना पड़ा था। फिल्म मेकर और सुशांत के बीच झगड़े हुए थे। दोनों के बीच प्रोफेशनल राइवलरी जैसे हालात पैदा होने लगे। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत ने पार्टी में गुस्से में आकर फिल्म मेकर के सिर पर कांच की बोतल से वार किया था। अपने करियर के खातिर कृति सेनन ने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। कृति सेनन के साथ सुशांत सिंह राजपूत का रिश्ता टूट गया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आए सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान। सारा के साथ सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी जल्द से परवान चढ़ गया लेकिन लव स्टोरी भी शॉर्ट थी और लव स्टोरी का अंत भी बुरा था। दरअसल सोन चिरैया के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद सारा ने सुशांत के साथ ब्रेकअप कर लिया था। खबरों की माने तो सुशांत और सारा के ब्रेकअप ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म मेकर और बॉलीवुड के स्टार्स लव गुरु करण जौहर ने इन दोनों के ब्रेकअप का जिम्मेदार ठहराया जाता है। खबरों को माने तो फिल्म सिम्बा की प्रमोशन के वक्त करण ने सारा को सुशांत से दूर रहने की सलाह दी थी क्योंकि करण नहीं चाहते थे कि सुशांत की फ्लॉप फिल्म का असर सिम्बा पर पड़े। सुशांत की जिंदगी में सारा निकली तो उनके जिंदगी में एंट्री ली उनकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जिंदगी में एंट्री मारी और कुछ ही महीनों में रिया और सुशांत करीब आ गए। दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। दोनों ने शादी करने का भी फैसला लिया। दोनों नए घर की तलाश ने की लेकिन यहाँ पर ना सुशांत ने रिया को छोड़ा ना ही रिया ने सुशांत को बल्कि सुशांत ने सभी को छोड़ दिया क्योंकि सुशांत लिव इन में रहते रहते इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए थे कि उन्होंने दुनिया को ही अलविदा कह दिया और ये लव स्टोरी भी एंड हो गई।
तो ये थी पूरी खबर सुशांत सिंह राजपूत की उन रिलेशनशिप को लेकर जिनका अंत बेहद ही दर्द भरा था। नेक्स्ट सनलाइट रश्मि की रिपोर्ट।